Yes, Amna, go ahead. Okay, everyone, assalamualaikum. I'm Amna here, and I'm a Forever Living representative and also working with this. I'm working with my very best leader. I love you, Sadia, with Sadia, and with lots of friends, I'm here joining you. Today, we're going to talk about a very successful plan of Forever Living, which is a weight loss plan. And I'm going to relate it with some of our products and with the diet also, which is protein diet. Today we're going to talk about, and some products I relate. I just talked to a few of my members. तो मुझे लगा है कि आप लोग जो डाइट को रिलेट नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा उसको रिलेट करते हैं प्रोडक्ट्स के साथ. आप लोग गौर से सुनना, एंड यू विल कम टू नो के कौन सी नेक्स्ट प्रोडक्ट यू शुड थिंक अबाउट. नेक्स्ट स्लाइड सादिया. या So guys, today we are going to talk about protein diet. Why we are talking about protein diet? Basically, protein is the basic building block of every cell of your body. आपकी body के अंदर जितने भी cells हैं, उन सब की basic structural foundation and functional foundation protein पे है. अगर आप अपनी body को protein देते हो, so your body will work more efficiently and ज़्यादा healthy रहेगी. ठीक है? So अब हम क्या कहते हैं कि हमें सिर्फ एक बात पता है कि जी लीन मसल्स जो हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं. हर सेल आपकी बॉडी का, चाहे वो हड्डियों का है, नर्व्स का है, वेसल्स का है, हार्ट का है, लंग्स का है, मसल्स का है, किडनीज का है, एवरीवेयर यू हैव प्रोटीन. सो यू नीड टू गिव इट टू योर बॉडी. सबसे ज्यादा हमारी डाइट में कम प्रोटीन है क्योंकि हमारा फास्ट फूड के अंदर शुगर कंटेंट, फाइबरलेस कंटेंट इतना ज्यादा आ गया है कि उसमें प्रोटीन की उन सब बच्चों के स्नैक्स से लेके, आपके फास्ट फूड से लेके, इन सब के अंदर कहीं पे भी आपको प्रोटीन कंटेंट नजर ही नहीं आएगा. अब प्रोटीन क्यों जरूरी है? जब आप प्रोटीन लेते हो ना, तो आपकी बॉडी टेक्स प्रोटीन फ्रॉम योर एब्जॉर्प्शन होती है जीआईटी से, वो वहां से लेके आपकी बॉडी के सेल्स को पहुंचाती है. जब वो सेल्स में प्रोटीन पहुंचता है और वो सेल्स की फॉर्मेशन शुरू करता है, तो आपका कैलोरी बर्न शुरू होता है वहां से. ठीक है? क्या कैलोरी बर्न ऑटोमेटिकली वहां से शुरू हो जाता है. उसके बाद आपका जो प्रोटीन है, नंबर थ्री पॉइंट की मैं बात करूंगी, इट स्टॉप्स रीगेनिंग ऑफ द वेट. वंस आपने अपना वेट किसी तरह करके भी कम किया है, तो प्रोटीन आपके वेट को रीगेन होने से इससे बचाता है कि आपकी बॉडी के अंदर इतना प्रोटीन कंटेंट हो जाता है कि बॉडी उसको ही फंक्शनलाइज करने में लग जाती है. एंड जो एक्स्ट्रा वहां पे फैट्स पड़े हुए होते हैं एंड स्टार्ची एलिमेंट्स पड़े हुए होते हैं आपके जीआईटी के अंदर, वो बर्न होने लगते हैं टू यूटिलाइज द प्रोटीन. अब प्रोटीन यूटिलाइज हो रहा है तो इट्स मेकिंग ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी हेल्दी. मैंने बताया कि वो सिर्फ मसल्स नहीं है, वो बोन्स हैं, वो नर्व्स हैं, वेसल्स हैं, वो एवरी ऑर्गन, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, हेयर एंड नेल्स तक. अच्छा, अब प्रोटीन इनटेक अवॉइड क्रेविंग्स. तो ऐसा यहाँ पे आप सुनिएगा कि ये आपकी क्रेविंग्स को कैसे रोकता है. बेसिकली ये आपकी बॉडी के अंदर, एक हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है सेटाइटी सेंटर, उसको जाके एक्टिवेट करता है. उससे जाके हमें पता, जब वो एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी को फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है कि हमने बस अब और नहीं खाना. लाइक हमारी बॉडी को ये एफिशिएंसी देता है कि वो फीलिंग ऑफ फुलनेस. ये आपके अंदर जो हंगर हॉर्मोन्स होते हैं उनको डिप्रेस करता है, विच इज गर्ली, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है. और ये कुछ एपिटाइट हॉर्मोन्स होते हैं जिनको ये निकालता है. तो इससे मैं इनको बातों को बहुत सिंपल करके आपको बताती हूँ कि आपके हंगर हॉर्मोन्स को सप्रेस करता है, आपके एपिटाइट हॉर्मोन्स को सप्रेस करता है, और आपके अंदर क्रेविंग्स को स्टॉप करवाता है. और इस तरह आप ओवर ईटिंग में नहीं जाते हैं. ओवर ईटिंग में नहीं जाते हैं तो आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रोटीन ले रही होती है, वो प्रोटीन जो है वो बॉडी की कैलोरीज को बर्न करने में लगा हुआ होता है और आपकी क्रेविंग्स रुक जाती हैं. तो इस तरह से प्रोटीन आपको क्रेविंग से रोक के और आपकी बॉडी को मेटाबलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको एक्टिवेट कर चुका होता है. तो आपकी बॉडी हेल्दी वे में, द मोस्ट हेल्दीएस्ट वे में जो है वो वेट लॉस करना शुरू हो जाती है. ठीक हो गया? अब हम लोग कहते हैं बहुत सारी डाइट्स बीच में आई हुई हैं, बहुत सारे नाम है, आई जस्ट डोंट वांट टू नेम द डाइट्स, बट आई वुड लाइक टू से कि उनके अंदर ये सब चीजें आपको, कोई भी आपकी क्रेविंग नहीं रोक सकता. मैंने बहुत सर्च किया है, मैं व्हाई आई स्टिक टू दिस प्लान एंड आई स्टार्टेड एंड आई डिड एंड आई गॉट रिजल्ट बिकॉज क्रेविंग्स रोकनी थी मुझे अपनी, तो वो मेरी सिर्फ इससे पॉसिबल हुई. सादिया, नेक्स्ट स्लाइड.
So what forever living is actually offering you for this? बहुत सारी चीजें आप अपनी डाइट के थ्रू रोक सकते हो. इसमें आई डिस्कस इन द एंड विद यू गाइस. मेरे पास मैंने अपने पास बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हुई हैं थ्रू विच आई टेल यू कि आप प्रोटीन में सब चीजें यहाँ लेके बैठे हो. थ्रू विच आई कैन शो यू कि आप प्रोटीन कौन कौन से कंटेंट्स में से ले सकते हो. लेकिन मैं यहाँ पे चूंकि फॉर एवर लिविंग से बिलोंग करते हुए आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट कुछ एफिशियंट वेज बताना चाह रही हूँ, ठीक है? सो उसके अंदर सबसे पहले आई वुड फॉरमोस्ट वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट फॉरएवर अल्ट्रा लाइट प्रोटीन शेक. अच्छा, अब आप कहोगे शेक से हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि यार इसके अंदर दूध होगा एंड हाउ कुड इट वर्क. अब ये प्रोटीन शेक क्या करता है जी, आपके अंदर इसके अंदर सबसे ज्यादा मैं कल पढ़ रही थी इसके बारे में तो मुझे पता चला कि राइट नाउ एट द टॉप लिस्टेड प्रोटीन शेक विच इज हैविंग ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन इट. अब टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स उसमें कौन सी आ जाती है, एसेंशियल प्रोटीन, नॉन एसेंशियल, ब्लॉक चेन प्रोटीन, वो सब टाइप्स इन्होंने इस प्रोटीन शेक के अंदर दिया है. बाकी कोई भी इतना स्ट्रांग एंड होलसम प्रोटीन शेक नहीं है प्रोटीन्स की प्रोवाइडेंस के अंदर, ये वाला है. अच्छा, इसके अंदर आपको डेली रेफरेंस इनटेक एक स्टैंडर्ड है कि आपको डेली अपनी इनटेक प्रोटीन्स की, विटामिन्स की, मिनरल्स की कितनी रखनी चाहिए, वो इसकी पर सर्विंग के अंदर एग्जैक्टली मेजर्ड है. जब आप पर सर्विंग लेते हो तो आप अपने उस दिन की उन नीड्स को पूरा कर लेते हो जो कि मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक हो गया? दूसरा सबसे बड़ी बात, ये सोया प्रोटीन है. सोया प्रोटीन के बारे में कहा जाता है, अब बहुत फेमस जो पहला फेमस प्रोटीन शेक था वो वे प्रोटीन था, बट ये सोय प्रोटीन है. इसके अंदर क्या फायदा होता है कि सोय बेसिकली गिव्स, यू कैन इमेजिन लाइक विद दिस प्रोटीन शेक यू हैव मैं पहले सोय को डिस्कस कर लेती हूँ, फिर मैं डिस्कस करती हूँ कि इसके अंदर और आपको एडिशनल क्या मिल सकते हैं फायदे. सोय गिव्स यू स्ट्रेंथ टू योर बोन अलॉन्ग विद योर लीन मसल्स एंड सोय ऑल्सो ये कंपेरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द हे प्रोटीन प्रोडक्ट्स जो हैं उनके कंपेरेटिवली ये लेस एक्सपेंसिव है. गुड फॉर द लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल, बेटर फॉर योर हार्ट हेल्थ. एंड इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, सोय प्रोटीन के अंदर द मैक्सिमम यू विल गेट इज द फाइबरस कंटेंट ऑफ इट. सो फाइबरस कंटेंट जो है इट इज आफ्टर प्रोटीन अगर कोई सेकेंड बेस्ट चीज फॉर योर बॉडी है वो फाइबर है जो आपको अपनी बॉडी के अंदर मस्ट डेली डालना चाहिए. इट्स एफिशिएंट फॉर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. जैसे दरख्त का तना बना होता है ऐसे आपके सेल का जो सराउंडिंग होता है वो आपके फाइबर से ही जाएगा. जीआईटी की हेल्थ ऑल डिपेंड्स ऑन फाइबरस फूड्स, ऑल डिपेंड्स. अगर आपने अपनी बॉडी में फाइबर नहीं डाला आपने अपना जीआईटी इज द डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली वो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया. तो सोय प्रोटीन के अंदर ये भी क्वालिटी होती है कि वो आपका जीआईटी बहुत अच्छा मेंटेन करके रखता है. अच्छा, अब मैं दोबारा आऊंगी, आई विल कम बैक टू द की बेनिफिट्स ऑफ द फॉरएवर लिविंग प्रोटीन शेक. इसके अंदर सोय प्रोटीन के ऊपर हमने बात कर ली. उसके बाद इसकी अपना कैलोरी काउंट जीरो कोलेस्ट्रॉल एंड लैक्टोज है. इसके अंदर जो शुगर कंटेंट यूज किया गया है स्वीटनेस वो दैट्स बिकॉज ऑफ इन्होंने हनी शुगर्स को यूज किया है. हनी आपको पता है कि शुगर के पेशेंट भी कंज्यूम कर लेते हैं ये सारा, बिकॉज उनको यहाँ का शुगर कंटेंट अफेक्ट नहीं करता उनकी बॉडी को. अच्छा, इसको कहते हैं कि पोस्ट वर्कआउट कंज्यूम करना बेस्ट है, बट अगर आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो इसको सुबह नाश्ते में लेना इज द बेस्टेस्ट बेस्ट. और रात को जैसे अभी मोहसिन ने डिस्कस किया, मोहसिन है कि उनको रात लाइक सुबह उठ के बहुत क्रेविंग होती है स्वीटनेस की, अगर वो रात को ये ले लेना दिस इज द प्रोटीन सोर्स. अगर आपने अपनी सुबह की क्रेविंग्स को खत्म करना है तो आप रात में कोई ना कोई पंच ऑफ प्रोटीन जरूर लें. पंच ऑफ प्रोटीन में अगर आप इसका एक ग्लास ले लेते हैं तो यू आर लाइक यू गिव योर बॉडी अ पैराडाइज कि वो सुबह को उठ के इन सारी चीजों से हट जाएगी. Yes, Sadia. I also started using it and I'm very happy with it basically. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि what other things we are getting in this protein shake.
इसके अंदर जी आपका कैन यू इमेजिन, इसके अंदर ही ये पूरा एक मल्टी वाइटामिन भी है। इसके अंदर आपको वाइटामिन डी मिल रहा है, इसके अंदर आपको कैल्शियम मिल रहा है, इसके अंदर राइबोफ्लेवन मिल रहा है, इसको आपको इसके अंदर आपको सारे बी वाइटामिन मिल रहे हैं, ऑल द टाइप्स ऑफ बी वाइटामिन। इसके अंदर वाइटामिन सी मिल रहा है फॉर योर स्किन, इसके अंदर वाइटामिन ई ए सी बी, आयरन, फोलेट, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, वाइटामिन डी, सब चीजें इसके अंदर आपको मिल रही है अलोंग विद प्रोटीन। एंड प्रोटीन भी वो भी जो के सोया प्रोटीन लाइक बेस्ट टाइप है अभी की। इसके अंदर उन्होंने ब्रूअर यीस्ट डाला हुआ है, इसके अंदर उन्होंने फाइबर कंटेंट अदर देन सोया, इसके अंदर उन्होंने फाइबर कंटेंट एक्स्ट्रा डाला है, बिकॉज नॉर्मल प्रोटीन डाइट लेने से हमारी बॉडी के अंदर एक ब्लोटिंग की फीलिंग आती है। बहुत सारे लोगों को ब्लोटिंग की फीलिंग आती है, उसको भी ये नलिफाई कर देता है। अच्छा, उसके अलावा जी आपको मैं बताती हूँ, और इसकी पर डे की कंजप्शन जो उन्होंने बताई है वो आइडियली इतनी गुड है कि आपको इसके साथ कोई मल्टी वाइटामिन कैरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आइडियली फ्रूट्स लेते हैं बहुत अच्छा है। और थैंक यू सारा, थैंक यू सो मच, रियली हैप्पी। सो अगर आप इसके साथ जो है कोई मल्टीविटामिन कैरी ना करो, इवन देन यू आर गुड टू गो विद इट। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं कि इसके अंदर सर्टेन एंजाइम्स होते हैं विच हेल्प्स प्रॉपर ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ प्रोटीन। वो इसको खुद ही डाइजेस्ट भी करवाते हैं, ठीक है। तो ब्लॉटिंग की फीलिंग एक यहाँ से भी इसकी मिनिमाइज हो जाती है। फिर इसके अंदर कुछ, अब मैं उसके बारे में बात करती हूँ कि यहाँ पे या वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर 18 बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक हो गया। बेसिकली यहाँ पे तकरीबन हमारे पास कोई 25 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, बाकी हम एनिमल्स के लिए जरूरी हैं, लेकिन ह्यूमंस के लिए 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि 18 तो आपको यहाँ से मिल रहे हैं, 20 कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट जब डिस्कस करूंगी तो वहां से कॉम्पनसेशन करेंगे। अच्छा, इसके अंदर प्रीबायोटिक्स होते हैं विच हेल्प्स यू फ्रॉम अनवांटेड क्रेविंग्स आल्सो। फाइबर इनटेक का एक फायदा ये होता है कि वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, उससे भी आपकी हंगर मिनिमाइज हो जाती है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर उन्होंने, और इसके अंदर ब्लोटिंग भी ट्रीट होती है प्रीबायोटिक्स से। तो जिन लोगों को ब्लोटिंग का इश्यू होता है डाइटिंग के ड्यूरिंग, वो ये जरूर जरूर ट्राई करें। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि इस प्रोटीन शेक को लेने से बेसिकली जब आप एक्सरसाइज करने के बाद, मैंने बताया कि रात में लेना क्यों जरूरी है, आपको सुबह की क्रेविंग से रोकेगा। सुबह लेना क्यों जरूरी है, पूरे दिन का जितना भी आप फंक्शन करते हो, स्पेशली हमारे हस्बैंड जब अपने कामों पे जाते हैं, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, टीनेजर्स के लिए इट्स गुड टू गो, ये ठीक है, रिकमेंडेड है। ऑनेस्टली मैं अपने छोटे बच्चों को इसलिए देती हूँ बिकॉज इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक। वो भागते दौड़ते हैं, कराटे उसका वो कर रही है, अभी स्विमिंग कर रही है, तो उसकी बॉडी के अंदर जितना वेयर एंड टेयर हो रहा होगा डेली, उसके लिए मुझे बैकअप पे उसको कुछ ना कुछ देना है। एंड इट्स ऑल्सो मल्टी विटामिन पंच, जिसकी रिकमेंडेड क्वांटिटी है, मैं उतनी नहीं देती हूँ, लेकिन उसका हाफ आई एम गिविंग हर एंड आई एम ओके। प्रोफेशनली आई एम फिजियोथेरेपिस्ट, सो आई हैव आइडिया के मेडिकली क्या चीज कितनी जरूरी और कितनी बेहतर है। तो लाइक मैं अपने इस नॉलेज के बैकग्राउंड पे अपने बच्चे को देती हूँ। माई वन गर्ल इज 5 ईयर्स एंड द अदर इज अभी टर्निंग 4 ईयर्स, सो द अल्डर वन इज टर्निंग 6 ईयर्स। तो मुझे, मैं उनको हाफ क्वांटिटी देती हूँ बिकॉज आई थिंक उसको इतना वियर एंड टीयर होता है, तो नाश्ते में इसलिए जरूरी है कि आपके पूरे दिन का जितना वियर एंड टीयर है, पूरे जितना दिन का जितना क्रेविंग है, पूरे दिन की जितनी नीड ऑफ मल्टी वाइटमिन है एंड एवरीथिंग, वो आपकी यहाँ से पूरी होगी, ठीक है, प्रोवाइडेड होगी, ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होगी एंड योर बॉडी विल एफिशिएंटली यूज इट। अच्छा, उसके बाद हम लोग कहते हैं जी आपको, सारा कैन यू ब्रिंग सीजर्स फ्रॉम किचन प्लीज, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हम लोग कहते हैं जी शाम में तो आई वुड नॉट रिकमेंड बिकॉज शाम में आई लेट यू एंजॉय योर लाइफ, बट रात का मैंने आपको बता दिया, तो रात और मॉर्निंग जो है ना इज अ गुड टाइम टू टेक इट। अब एक और तीसरा गुड टाइम टू टेक इट इज आफ्टर योर एक्सरसाइज। व्हाई? इसलिए कि एक्सरसाइज में जब आप एक स्ट्रेनियस एक्टिविटी होती है, एक हार्ड एक्टिविटी होती है, इट्स अ चैलेंज फॉर योर बॉडी, तो आपकी बॉडी के सेल्स
सब सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन वेसल्स, ब्लड सेल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ब्लड रश कर रहा होता है, वहां से न्यूट्रिएंट्स लेके आपकी बॉडी के एक्सट्रीमिटीज विच इज आर्म्स एंड लेग्स की तरफ जाता है, ताकि आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सको। तो मसल्स, बोन्स, ब्लड वेसल्स, हार्ट, लंग्स, ये सब एक्टिव हो जाते हैं, प्लस ब्रेन। तो उसके लिए आपको थैंक यू सारा। सो उसके लिए आपके पास जो है जब ये सब एक्टिव हुए होते हैं, अगर आप उस वक्त उस एक्टिव स्टेट में अपने आप को प्रोटीन दोगे, ये एफिशिएंटली कंज्यूम होगा। उस वक्त बहुत से सेल्स टियर हो रहे होते हैं बिकॉज यू आर डूइंग स्ट्रेनियस एक्टिविटी, तो उनको वियर करने के लिए, उनको क्या कहना चाहिए, बनाने के लिए यू नीड अ मटीरियल। आप उसके अंदर मटेरियल डालेंगे तो वो अपनी लाइनिंग बनाएगा ना सेल, आप उसके अंदर प्रोटीन का बैकअप रखेंगे तो वो प्रोटीन कंज्यूम करते हुए वो जो वियर एंड टियर हो रहा होता है उसको हेल्दी बना देगा। उसको आपको कोई भी क्वेश्चन हो रहा हो यू कैन टाइप हेयर और स्टोर इन योर ब्रेन, आई गिव यू टाइम इन द एंड टू आस्क, ओके? और अदरवाइज यू कैन कीप ऑन टाइपिंग, मीन वाइल वेन एवर आई सी इन द एंड आई आंसर यू फॉर दैट, अगर आपको भूल ना जाए, इन द एंड इफ यू आर स्केयर्ड दैट यू विल फॉरगेट इट। अच्छा, तो एक्सरसाइज के बाद लेना इसको इसलिए भी आइडियली गुड है कि आप अपनी बॉडी को, उस वक्त आपकी बॉडी को ऑनेस्टली नीड होती है टू गेट एनर्जी, टू गेट ऑल द मिनरल्स, टू गेट ऑल द विटामिंस, टू गेट ऑल द फाइबर्स, टू गेट ऑल द प्रोटीन फॉर ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। तो अगर आप उस वक्त देते हो तो ये अच्छे से कंज्यूम होता है, ये अच्छे से स्टोर होता है, ये अच्छे से यूटिलाइज होता है, ये अच्छे से एब्जॉर्ब होता है आपके मैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोल रही थी, बट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप, हाँ, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि यार बेली फैट कैसे कम किया जाए। जनाब, कैन यू इमेजिन, लाइक बेसिकली बेली फैट को पिघलाना वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड है। अगर आप अपना डाइट को प्रोटीनस कर लो, हटा दो उसमें से कार्ब्स, हटा दो उसमें से फैट इनटेक, फैट इनटेक फिर भी मैं इनकरेज करती हूँ। आप लोग हैरान होंगे कि मैं क्यों फैट इनटेक इनकरेज कर रही हूँ। हमारी बॉडी के हर हार्मोन को काम करने के लिए ऑयल बेस्ड चाहिए, ठीक है ना? तो आप ऑयल्स को अपनी बॉडी में से ना खत्म कीजिए। अब कौन से ऑयल्स कौन सी रिसोर्सेज से ले रहे होते हैं वो थोड़ा सा देखने की बात है, मैं भी उसमें इतना नहीं डिटेल में जाऊंगी, बट या अच्छा, अगर आप हेल्दी प्रोटीन्स खाते हो, प्रोटीन का डाइजेशन आपकी बॉडी के अंदर आपके बेली फैट्स को जला सकता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन इनफ है और आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करना चाह रही है, तो वन ऑफ द स्टबर्न फैट्स मूव करता है विच इज बेली फैट। आपकी बॉडी के सारे फैट्स मूव कर रहे होंगे टू डाइजेस्ट इट, बट इसको डाइजेस्ट करना इतना चैलेंजिंग होता है कि आपकी बैली को भी इस पे काम करना पड़ता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, बैली के ऊपर जो मसल्स होते हैं विच इज रेक्टाई, स्ट्रेट मसल होता है किसी को आइडिया हो तो, और बैली के ऊपर बहुत मेजर मसल्स आके लग रहे होते हैं, यहाँ से मैं अपनी फिजियोथेरेपी की थोड़ी नॉलेज आपको देना चाहूंगी, बहुत मेजर मसल्स आके लग रहे होते हैं और यहाँ पे फैट डिपोजिशन होना बहुत क्विक। सुबह की जो आप शुगर खाते हैं, शुगर इनटेक है, अगर आप ब्रेड ले रहे हैं, अगर आप ब्रेड के ऊपर न्यूटेला ले रहे हैं, वाव, सो दिस इज द वर्स्ट थिंग यू आर डूइंग टू योर सेल्फ, स्टॉप इट राइट नाउ। सुबह नाश्ते के अंदर आपने कोई शुगर कंटेंट नहीं लेना है, बॉयल्ड अंडा ले लें, ये प्रोटीन शेक ले लें, मीट का कोई छोटा सा पीस ले लें, चिकन का कोई छोटा सा पीस ले लें। उठते ही सुबह में कुछ नहीं खाना है, ये मैं अपने पर्सनल डाइट एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो लोग प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, आप किसी भी फॉरएवर वाले बंदे के साथ वो अपनी डाइट फॉलो करेंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, जो रेंडम है, जो यहाँ पे आए हैं सिर्फ नॉलेज गैदर करने के लिए कि हाउ टू कैरी देयर सेल्फ विद द वेट लॉस प्रोसेस, तो ना खाएं कुछ भी। शुगर अगर लेते हैं, शुगर कंटेंट ना लें, 1-2 घंटे रुक जाए फिर कुछ खाएं। अगर रात में आपने प्रोटीन लिया हुआ होगा, आपकी बॉडी बेली फैट यूं बर्न करेगी, यूं, क्योंकि आपकी बॉडी सुबह आप 1-2 घंटे कुछ नहीं लेंगे, वो उसी प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अपनी एनर्जी कंजम्पशन को पूरा करी होगी। सादिया, आप मुझे टाइम के लिए बीच में अलार्म कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज यू नो व्हेन आई गो हाँ फार।
नहीं, यू आई आर मैं इस देयर वेरी फॉर माई वेरी अलार्म. यूजफुल एंड प्रोडक्टिव सेशन, मैं आपको आज थैंक टाइम यू. बाउंड नहीं करूंगी, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मीटिंग यस टाइम खत्म हो जाए तो सब पार्टिसिपेंट्स रीज्वाइन करें, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हर एक का क्वेश्चन है कि वैसे हम पतले हो जाते हैं लेकिन टमी कम नहीं होता, तो ये सारे रीजंस हमें, वो कहते हैं ना कि रूट कॉज जब जानेंगे तो हम अपने आप को हेल्प आउट कर पाएंगे, राइट? या एंड दिस नॉलेज इज पर्सनली गुड फॉर यू. किसी इंस्ट्रक्टर से हटके आपको अपनी बॉडी को कैसे लेके चलना है, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू. सो हर किसी को ये जानना बहुत जरूरी है. सुबह शुगर कोई नहीं खाएगा, 1 घंटा रुकेंगे, अंडा खाएंगे, रात को प्रोटीन शेक लें या अंडा खा के सोएं. मैं सबसे कम बात बोल रही हूँ अंडा खा के सोएं, नहीं तो दालें हैं, गोश्त है, चिकन है, सब्जियां जाता है, है. मैं एग आपको इसके साथ फाइबर फूड बताती हूँ. मैं प्रोटीन शेक इसीलिए रिकमेंड कर रही हूँ कि वो आपको ब्लॉटिंग फीलिंग नहीं देता. उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स और ऐसे प्रोबायोटिक्स उन्होंने डाले हैं कि दैट प्रोटीन हैवी इनटेक इज फीलिंग नॉट नहीं गोना है, मेक यू फील, या नॉट गोना मेक यू फील हैवी, नॉट गोना मेक यू फील लाइक टू वोमिट इट आउट. सो इसलिए वो एंजाइम. अच्छा, आपको अंडा हैवी फील कराता है, आप कुछ फाइबरस लें. ये देखें, आई हैव दीज पल्सेस. ये सारी दालों को पानी में सोक करके रखें, सुबह रखें, पानी चेंज करते रहें बिकॉज उसमें स्मेल आ जाती है, यू वुड नॉट लाइक टू ईट इट. पानी चेंज करते रहें और इनको आप स्प्राउट होने दें, इनके ऊपर से इस तरह का स्प्राउट आने दें. आई डोंट नो आई कैन शो इट टू यू नाइसली और नॉट, बट इसके ऊपर स्प्राउट जी आने दें. दैट स्प्राउट विल, दिस इज द पंच ऑफ फाइबर विद अ पंच ऑफ प्रोटीन. ये आपको ब्लॉट होने से बचाएगा. अगर आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं कर सकते हो, गो फॉर द प्रोटीन शेक ब्लाइंडली आई वुड से. कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा मल्टीविटामिन है जो आपको कैल्शियम और विटामिन D3 भी दे रहा हो अलॉन्ग विद प्रोटीन, दिस इज इट हियर. अच्छा, फिर उसके बाद जी आपकी रिड्यूस क्रे जैसी आपकी क्रेविंग्स रिड्यूस होती हैं. हाँ, स्प्राउट्स ग्रो होने दें. लाइक इसको आप पानी में रखें. आई डोंट नो आई कैन शो यू, अभी मुझे अपनी पिक्चर नजर आई है तो आई कैन शो यू. इसके अंदर मैंने सारी दालें, चना, काला चना और सारी दालें डाली हुई हैं. तो वो इसके साथ से पानी के साथ वो ग्रो करके बाहर आ जाती हैं. देख रहे, स्प्राउट्स ग्रो हुई हुई है. ये आपका प्रोटीन का पंच मैं बता रही हूँ, वो लोग जिनको प्रोटीन से ब्लॉटिंग होती है. और अगर इसका शॉर्ट फॉर्म आप चाहते हो तो गो फॉर दिस प्रोटीन शेक. लाइक मैंने आजमाया ना लिटरली. आमना, देयर इज अ क्वेश्चन के आमना, स्प्राउट्स का मतलब मीन